दोस्तों, समय की गति को पहचाने। समय बड़ा बलवान हुआ करता है। समय के साथ समझौता करके चलें तो आप जीवन में सदा खुशहाल रहेंगे। आपको रास्ते भी सुलभ तरीके से मिलने लग जाएंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से होनी अपने बल कर लेती है किसी को, ना जाने किसकी कहां पर क्या गति लिखी है। वह होनी अपने हिसाब से उसी तरीके से करवा लेती है। अब किसी व्यक्ति का अंतिम समय कहाँ आ गया, कहाँ उसकी देह छुटेगी, यह कोई नहीं जानता। ये काल समय के गर्भ में क्या है, इसे कोई नहीं जानता। अभी अभी का एक वाक्य है कि एक सत्संग चल रहा था, जिनके जो आयोजक कर्ता थे वो थे जिनको भोले बाबा के नाम से जाना जाता था, और उनका नाम है साकार हरि। दोस्तों, अब कहाँ चूक होती है कहाँ नहीं, यह तो एक अलग बात है, लेकिन बात सिर्फ छोटी सी है और सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। दोस्तों, अब आपने शनि की 7.5 के बारे में तो सुना होगा। जब शनि की 7.5 लगती है और जिस व्यक्ति पर प्रभाव डालती है तो बड़े बड़े राजा भी नष्ट हो जाते हैं, राजा भी रंक बन जाते हैं। और जब शनि की कृपा होती है तो रंक भी राजा बन जाता है। ऐसा ही हाल हुआ साकार हरि जी महाराज के साथ। साकार हरि का नाम पहले का सूरजमल था। अब सूरजमल के नाम से भी और साकार हरि के नाम से भी इनके ऊपर चल रही 7.5, और 7.5 का वक्त इस समय जब शनि का जब आया और उसका प्रभाव पड़ा, तो उस हादसे के कारण को भी अब साकार हरि पर ही डाल दिया जाने लगा। अब इसका भविष्य में तो क्या लिखा है इसे तो कोई नहीं जानता, पर केवल छोटी सी बात थी कि जब सत्संग हो रहा था तो उससे पहले बस एक ही तो लिखित में देना था कि कितने लोगों की भीड़ आएगी। भाई, लाख लोग आएंगे तो लाख लोगों का लिखवा दो, अपना पुलिस प्रोटेक्शन की मांग कर दो, यही तो अनुमति लेनी थी बस, और काम साफ सुथरा। लेकिन इसमें शनि महाराज आड़े आ जाते हैं और शनि महाराज ने ऐसा नहीं करने दिया, और सब कुछ जो हुआ वो बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन उनके जाने के बाद जब सत्संग प्रवचन खत्म करके वे चले जाते हैं, तब ये हादसा होता है और सैकड़ों लोग बेवजह मारे जाते हैं। बड़ा दर्दनाक हादसा। अब इसे शब्दों में तो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन जब देखने वाले या वहां का दृश्य देखा जाता है तो मनुष्य का अंदर से दिल हिल जाता। अब ये शनि की 7.5 का सीधा प्रभाव पड़ा साकार हरि पर।
अभी उन्हें इस बात से का अंदाजा भी नहीं था कि ये शनि की साढ़े साथी इतना बड़ा उनके प्रति जो खेल खेलने वाली है, ये वो भी नहीं जानते थे। शनि की जब साढ़े साथी लगती है तो दोस्तों समय को फूंक फूंक करके चलना चाहिए, अपने हिसाब से कोई भी जब फैसला लें तो सोच समझ करके लेना चाहिए, तभी बचाव संभव है। अन्यथा ना जाने ये शनि की साढ़े साथी जब किसी पर लगे तो उसे कब उसकी बुद्धि को घुमा दे। अब आप पूछेंगे कि इससे बचने का उपाय क्या है। बड़ा सरल उपाय हुआ करता है दोस्तों, और ये बता ही देता हूं मैं आपको, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैं सत्यनारायण शर्मा, छह माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों बड़ा आसान सा उपाय है, जब भी आप पर साढ़े साती लगती है, यानी साढ़े सात साल, साढ़े साती का अर्थ ही साढ़े सात साल है कि साढ़े सात साल में आपके साथ शनि के द्वारा किसी भी प्रकार से आपकी बुद्धि को विकृत किया जा सकता है और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो बस इससे उठने का बड़ा ही साधारण सा उपाय है दोस्तों, शनिवार को 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ ले, बस इतना सा ही उपाय है। पढ़ करके बोल देना, अर्जी लगा देना कि हे शनि महाराज, मैं आपके चरणों में हूं, मुझ पर ये जो साढ़े साती चल रही है इससे मुझे गलत प्रभाव ना पड़े, आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। बस अब शनिवार को 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ लें। अब रोजाना की एक ही हो गई आपके, पर शनिवार को कर लेना। आपने यह 7 शनिवार करना है। अब आप कहेंगे कि क्या 7.5 साल में 7 ही शनिवार करना है? नहीं दोस्तों, हर 6 महीने में 7 शनिवार कर लें, 6 महीने बाद फिर 7 शनिवार कर लें, 6 महीने बाद फिर 7 शनिवार कर लें, समय भी धीरे धीरे करके निकल जाएगा दोस्तों। शनि की साढ़े साती का आप पर कोई प्रभाव नहीं होगा। एक छोटी छोटी बातें हुआ करती हैं, पर आप यदि कर लेंगे तो जीवन में आपको किसी भी प्रकार के, अब शनि के द्वारा आपको कष्ट नहीं पहुंचेगा। कर लेना दोस्तों, आसान आसान उपाय बताया करता हूं, करना आपके ऊपर है और आपकी बुद्धि मानती है तो कर ही लेना चाहिए, और अच्छा लगे तो किसी को बता देना चाहिए, और अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कर देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।